हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो अब सर्दियों का मौसम आ चुका है और हरे हरे मटर भी आ चुके हैं, तो हम इससे बनाएंगे एक बहुत ही बढ़िया कचौरी, जिसके लिए यहाँ पे मैंने 2 किलो मटर लिए हैं। इसे मैंने इस तरह से दरदरा पीस लिया है। अब हम लेंगे एक कढ़ाई, इसमें ऐड करेंगे 4 चम्मच तेल, और जो हमने मटर पीसे थे इसे हमें इसमें ऐड कर लेना है और अच्छे से हमें इसे पकाना है, जब तक इसमें से एक मीठी जो मटर की खुशबू होती है वो ना आ जाए। तो इस प्रोसेस में आपको 10 से 15 मिनट लगेंगे, तो हमें इसको मीडियम से लो फ्लेम पे चलाते हुए पकाना है 10 से 15 मिनट के लिए। तो ये बहुत ही ऑथेंटिक गुजराती रेसिपी है, जिसे वटाना कचौरी कहा जाता है, और इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही बढ़िया क्रिस्पी बनती है और इसका टेस्ट भी बहुत ही बढ़िया होता है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब यहाँ पे ये मिक्सर रेडी हो चुका है, इसे हमें ठंडा कर लेना है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे नमक स्वाद अनुसार, ऐड करेंगे 1 छोटी चम्मच हींग, 1.5 बड़ा चम्मच हरी मिर्च की पेस्ट, 4 बड़े चम्मच चीनी, 50 ग्राम काजू और 50 ग्राम किशमिश। इसी के साथ ऐड करेंगे 150 ग्राम घिसा हुआ नारियल और खूब सारा धनिया और 1.5 चम्मच नींबू का रस। अच्छे से सारी चीज़ों को पहले चम्मच से मिक्स करेंगे और फिर हाथ से हमें इसे मिक्स करना है, ताकि ये अच्छे से बाइंड हो जाए और इसके हमें छोटे छोटे बॉल्स बना लेने हैं। अब यहाँ पे इसके बॉल्स बनाने के लिए मैंने लिया है 1 चम्मच, जिसके मेजरमेंट से मैं यहाँ पे 1 ही साइज़ के बॉल्स बना लूँगी। और आप इस तरह से सारे बॉल्स रेडी कर सकते हैं। इस मेजरमेंट से आप अच्छे से 50 से 60 इस साइज़ की कचौरियाँ बना पाएंगे। अब बनाएंगे कचौरी के लिए आटा, जिसके लिए लिया है 200 ग्राम रवा और 200 ग्राम मैदा। ऐड करेंगे यहाँ पर नमक और तेल और अच्छे से आटा लगा लेंगे। इसकी हमें छोटी छोटी लोई लेनी है और इस तरह से हमें पतला बेल लेना है और एक बॉल रखना है बीच में और अच्छे से हमें इसे कवर कर लेना है इस तरह से। आप देखिए, पहले हम इस तरह से रोटी बना लेंगे। यहाँ पे हमें ये जो लेयर है ना वो पतली रखनी है और इस तरह से हमें इसे पैक कर लेना है। तो ये बहुत ही आसानी से आपका बन जाएगा। आटा हमें थोड़ा सा सॉफ्ट ही रखना है। तो यहाँ पे हमारी कचौरी रेडी है। अब इसे हम फ्राई करेंगे मीडियम टू लो गैस पे, हमें इसे फ्राई करना है। ये बहुत ही बढ़िया और क्रिस्पी बनेगी, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब बस हमारे यहाँ पे जो कचौरी है वो रेडी है। इस तरह से हम सारी कचौरी बना लेंगे। गुजरात की फेमस वटाणा कचौरी रेडी हो चुकी है। थैंक यू।